brought to you by Higher. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. सलमान खान शाहरुख खान के बाद अब बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती को लॉरेंस गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है। मिथुन को यह धमकी पाकिस्तान से आई है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी कहे जाने वाले पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने उन्हें अपने बयान के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहा है। भट्टी ने कहा है कि कुछ रोज़ पहले मुसलमानों पर दिए अपने बयान को लेकर मिथुन 15 दिन के अंदर माफ़ी मांग लें, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दुबई में रह रहे पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने 27 अक्टूबर को कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान मिथुन चक्रवर्ती की ओर से दिए गए विवादित भाषण को लेकर उन्हें धमकाया है। सबसे पहले आपको मिथुन चक्रवर्ती का वो बयान सुनवाते हैं जिसकी वजह से उन्हें ये धमकी मिली है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, किंतु भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन की चेतावनी तृणमूल कांग्रेस के नेता और मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर के लिए थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान हुमायूं कबीर ने कहा था कि मुर्शिदाबाद जिले में 70% आबादी मुसलमानों की है और वो हिंदुओं का गला काट कर भागीरथी नदी में फेंक देंगे। मिथुन ने इसी वीडियो के जवाब में वो बयान दिया था जिस पर उन्हें अब धमकी मिली है। अब आपको पाकिस्तानी डॉन शहजाद के बारे में भी बता देते हैं। बीते दिनों एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शहजाद वीडियो कॉल पर लॉरेंस बिश्नोई से बात करता दिखाई दे रहा है। हालांकि ललन टॉप इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है कि वो वीडियो कब का और कहां का है। मैं आज हो गई नहीं है, दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी। नहीं नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। हालांकि इस वीडियो को लेकर उस वक्त काफी बवाल मचा था, जिसके बाद शहजाद ने एक और वीडियो जारी करते हुए वीडियो पर बात की थी और सफाई दी थी। क्या हाल है सारिया का, ठीक हो खैरियत ना लो यार। तुम सारिया पता है कि इंडिया दे न्यूज़ ते मेरी ते फर्क खोकर भाई दियाँ न्यूज़ा चल रही ने कि एक मेरी बिश्नोई दे नाल लॉरेंस बिश्नोई दे नाल वीडियो कॉल है, ठीक है। उहदे बारे च मैं थोड़ी जी गल करना चाहना वा कि सब तो पहले मेरा भाईजान, मैं इंडिया दे न्यूज़ नू इस चीज़ा का जवाब दे नहीं हैगा वा, मैं जवाब दे हैगा अपने मुल्क का, अपनी आर्मी का, अपनी एजेंसियां का, अपनी पुलिस का। जदों मेरे को मंगणगे मैं उन्होंने दिखा देंगे कि भाई जान इन्हों की सारे कदों मैं कॉल आई है, कदों यदि मेरी गल हुई है, कि अरसा पहले हुई है और किन्ने वीडियो अपलोड की और किस तरीके वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है। मैं उस तो अलावा किसी बंदे जवाब देने का कायल नहीं हाँ। मेरे अदारे पाकिस्तान जिंदाबाद है हमेशा, पाकिस्तान आर्मी भी जिंदाबाद है, पाकिस्तान एजेंसी भी जिंदाबाद है, मेरी हमेशा जान उन्होंने वास्ते हाजिर है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर जदों भी मैनू मेरे अदारे बुलाणगे मैं जावांगा। अगर मेरी कोई चीज़ उन्होंने विच मैं गिल्टी आना वा, या मैं कोई उन्होंने नाल दो दफा तो ज़्यादा मेरी गल हुई हो, या मैं किसी चीज़ के शामिल होवां, पाकिस्तान का कोई बुरा किया हो, या उधरों किसी दूसरे उन्होंने इंडिया का कोई बुरा सोचा भी हो, या कुछ भी इस तरह का, तो मैं अपनी सज़ा भुगतने लिए तैयार हाँ, ठीक है। कॉल आई है, बाकी तुसी जो भी मेरे बारे च न्यूज़ा फैला रहे हो कि फलाने इलाके नाल मैनू मिला रहे जे, फलाना मेरे ते इल्जाम लगा रहे जे, पुरानियां मेरियां तस्वीरें। आपको बताते चले कि एक बार मिथुन चक्रवर्ती ने पत्रकार अली पीटर से बातचीत के दौरान बताया था कि वो एक्टर बनने से पहले नक्सली थे। बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि नक्सली होने के चलते उन्हें उनके करियर के दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री और उसके बाहर के लोग कोलकाता में चल रहे नक्सली आंदोलन में मेरे शामिल होने और नक्सलियों के उग्र नेता चारू मजूमदार के साथ मेरे करीबी संबंधों के बारे में जानते थे। मेरे परिवार में एक त्रासदी के बाद मैंने आंदोलन छोड़ दिया था, लेकिन नक्सली होने का लेबल मेरे साथ हर जगह रहा।
चाहे वो पुणे में FTII हो या जब मैं 70 के दशक के आखिर में बॉम्बे आया था। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के हवाले से मिल रही धमकी में लॉरेंस गैंग का कोई कनेक्शन है या नहीं, इसकी फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि हाल फिलहाल में लॉरेंस गैंग के नाम पर कई फ्रॉड कॉल्स और वसूली के लिए भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आर्यन मिश्रा, मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।